इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल का? मैं कब लड़ती हूँ? आप ही तो लड़ते। मैं तो समझ गया हूँ, काश बानो भी समझ जाए। मैं समझी समझाई हूँ। अच्छा आप समझ लें। अब अगर ये आपको तंग करे ना तो बस मुझे एक कॉल कर देना, फिर देखना मैं इसका क्या हशर करती हूँ। अभी अगर ये मुझे तंग करेगी ना तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको वहां बुला दूंगा। तो मैं रोज तंग करूंगी, समझे? और खाओ ना, ये लो गरम गरम रोटी है, जल्दी खाओ खाओ, सही से खाओ। तुम भी तो खाओ साथ। अभी तुम भी खा लो। अम्मा नहीं, बस इन्होंने खा लिया तो समझे मैंने भी खा लिया। अम्मा मैं आती हूँ किचन से। मुझे बता रही थी तेरी छोटी माँ ना ये सब कुछ तुम लोगों को हड़प करना चाहती है। हाँ हमें नहीं पता हड़प करना चाहती है, वो तो पहले ही घर नाम लगवाने के चक्कर में। यार मंगू, एक और मसले ने अब सिर उठा लिया। क्या हो गया? वो नगीना खानम कहती है कि रानी को मैं अपनी तरफ से कोई प्लाट, कोई दुकान या मकान शादी के मौके पर दूं। रानी के लिए रिश्ता है। रानी का रिश्ता कहां से, कैसे, कौन, किसका और कहां से आया ये तो मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हारी छोटी अम्मी से कहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करे, उसने रिश्ता ढूंढ लिया।
ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये एज इट इज तुमने यहाँ से यहाँ तक याद करना है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है ना, ये पूरा पैराग्राफ मुझे यहाँ से यहाँ तक याद करके दिखाओ। तुझे एक फार्मूला याद नहीं है, क्या करेगी तू? और मैं अंडरलाइन कर देती हूँ पूरा पैराग्राफ। यहाँ दरवाजा खटखटा रहा है कोई, तो अम्मा खोल लेंगी, मैं पढ़ रही हूँ। अम्मा घर नहीं है, तू जा खोल के, जल्दी जा। शाबाश, मैं अंडरलाइन करती हूँ जब तक तू जा। एक फार्मूला तुझे याद नहीं है, तुझे मेरे अब्बे का पता नहीं है। अब उसके दिमाग में बात फंस जाए, निकलती नहीं। अब तेरी शादी के पीछे पड़ गया, अब करा के छोड़ेगा। मंगू, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे क्या बोल रही है, अब्बे के सामने जाके बोलना। उसके सामने तेरी जुबान नहीं खुलती, बोलती नहीं उसके सामने, इसलिए अच्छी भी लगती है उसको। मैं उसे कैसे कर लूं शादी, मैं उसको जानती भी नहीं हूं, और वो लड़का कौन है? हां तो मुझे भी नहीं पता ना क्या करता है। अरेंज मैरिज तो ऐसी होती है, डब्बा खोलो कुछ भी निकला। तूने कौन सी लव मैरिज करनी, कर ले जो भी है। सच तो ये है कि मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे रोना आ रहा है। मैं अपना घर छोड़ के पता नहीं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें एक बात समझाई थी, और इस बात को समझने के लिए गैरतमंद होना पड़ता है। के बताया ही नहीं, गई है तो लंबा ही चली। क्या लेने आई हो यहाँ पे तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक नंबर की झूठी है ये लड़की। इसने पूरी कोशिश की कि मुझे साजिद के खिलाफ भड़का सके, मगर कुछ नहीं हुआ ना। चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम उसके बहकावे में आ गई हो, जिस तरह एक दफा मैं आ गई थी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो, ये आखिरी बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। हमारी आखिरी बात हो चुकी है ना, अब जाओ यहाँ से। बानो बाजी, अब वो इतना कह रही है तो आप एक दफा उनकी बात सुन लें। अंदर मेरे कमरे में आओ। साजिद का फोन मिलाकर जल्दी से उसको यहाँ पे बुला। वो नगीना खानम कहती है कि रानी को मैं अपनी तरफ से कोई प्लाट, कोई दुकान या मकान शादी के मौके पर दूं। लेकिन नगीना बाजी तो बता रही थी कि आप नौकरी के सिलसिले में मुझसे मिलना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। एक शोरूम खोल रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैनेजर चाहिए होगा। गलत हो गया मासी, बहुत गलत हो गया। ये रिश्ता है ना रानी के लिए, लड़का ठीक नहीं है, फ्रॉड है। और ये ना अब्बे की बुड्ढी ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है।
आज मैंने देखा उसके साथ, उस लड़के के साथ इसको। कमबख्त मारो, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की है, बेचारी रानी की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और तुम खुद ही तो उस तेज गांव को डोली में बिठा कर लाए थे ना, अब घर से बाहर नहीं निकाल सकते? निकाल उसे बाहर, इतना भी नहीं कर सकता? फिकर ना कर मासी, उसे इस घर में ला सकता हूँ तो घर से निकाल भी सकता हूँ। वाह, ये हुई ना मेरे पुत्रों वाली बात। पर मसला तो भी रानी का है ना, उसे कैसे समझाऊं? मैंने उसको कहा था कि लड़का अच्छा है तू हाँ कर दे, अब मना करूंगा तो पता नहीं क्या आएगा उसके जेहन में। और मुझे ये कहानी मत सुना, पहले उस तेज गांव को घर से बाहर निकाल, फिर रानी का भी सोच लेंगे। हाँ करते हैं कुछ। देख बेटा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि तेरी शादी बड़ी धूमधाम से मैं करूंगा। तेरे वालिद मेरे यार की तरफ से तुझे मकान तो मिल गया, अब मैं अपनी तरफ से एक दुकान भी तेरे नाम कर दूं। नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई जरूरत नहीं है तुझे इतनी धूमधाम से शादी करने की। और वैसे भी मकान तो है ही है मेरे नाम पे, तो फिर दुकान की क्या जरूरत है? बेटा, किसी लड़की को जहेज नहीं चाहिए होता, ये तो बेटे वालों का लालच होता है। वो ये समझते हैं बेटी वाले जो हैं हमसे कमजोर हैं, तो इनसे जहेज जरूर वसूल करो। अगर वो समझ रहे हैं कि हम उनसे नीचे हैं, कमतर हैं, तो अल्लाह मेरे ने चाहा तो हम ये साबित नहीं होने देंगे। चाचा, ये शादी हो रही है या सौदेबाजी? अगर वो अमीर है और हम गरीब हैं, तो ये दिखावे की क्या जरूरत है? बस चाचा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तूने बहुत कुछ कर दिया इस यतीम के लिए। रानी, जब मैंने तुझे बेटी कहा है तो बाप बन कर दिखाऊंगा। किसी की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुझे यतीम कह सके। चाचा, सच्चाई से भागना ना सच बोलने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये रिश्ते ना मकानों और दुकानों की तरह ईंटों पे खड़े नहीं होते। तू अपने दिल से ना ये ख्याल निकाल दे, मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मंजूर है। इतनी मायूसी किस बात से है? मैं ये शादी धूमधाम से करूंगा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि थोड़ा बहुत डांस भी सीख लूं। चाचा, अपनी बेटियों की शादी पे कौन डांस करता है? तुझे क्या लगता है मैं मंगू और टीपू की शादी पर डांस करूंगा? ओए बेवकूफ, बंदे को जो प्यारा लगता है उसी की शादी में डांस किया जाता है। अच्छा चाचा, तू कर लेना डांस, मगर ये दुकान वाली बात दोबारा ना करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा रानी पुत्र, नहीं करता बेटा, पर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे जरूर कहना। उस दिन वो नगीना बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हो अपनों में से या गैरों में से, और वो ऐसी बात करे कि मेरी बेटी के सर पर बाप का हाथ नहीं। ठीक है चाचा। मेरी बेटी जीती रहो, मेरा पुत्र जीती रहो, अल्लाह भला करेगा पुत्र, अल्लाह भला करेगा। रानी, जब मैंने तुझे बेटी कहा है तो बाप बन कर दिखाऊंगा। किसी की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुझे यतीम कह सके। शौकी कोई अपना बाप समझ? शौकी बहुत अच्छा है, दिमाग का कुछ चालू है, वो तुझे मेरी कमी महसूस नहीं हो, तेरा बहुत ख्याल रखेगा बेटा। बंदे को जो प्यारा लगता है उसी की शादी में डांस किया जाता है।
आप बनो। हेलो साजिद भाई, मैं मानो बात कर रही हूँ। मानो? हाँ हाँ मानो बोलो। जी साजिद भाई, आप जल्दी से घर आ जाएं, आपको बानो बाजी बुला रही हैं। क्या हुआ, खैरियत है? सब खैर है, लेकिन एक लड़की आई है, वो बानो बाजी से बहुत बहस कर रही है। बानो बाजी ने खुद कहा आपको फोन करने को, और वो कह रही हैं कि आप जल्दी से वापस आ जाएं। कौन लड़की? पता नहीं कौन है, लेकिन वो अपना नाम अलीजे बता रही है। तुम आजकल एक और लड़की के पीछे पड़े हो ना, है ना? हक तो मेरे रास्ते से, मैं उसे तुम्हारी हकीकत का बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। जी तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। मुझे आप पर एतबार है, अपने आप से भी ज्यादा। मुझे पता है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। क्या हो गया अब, कुछ बताओगी? ये लड़की कौन है साजन? बहुत परेशान हूँ साजन, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो है साजन जो आप मुझसे छुपा। आप पहले भी किसी को स्पेन या फ्रांस लेके गए? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही है। मुझे जल्द से जल्द यहां से बानो को लेकर निकलना होगा, मुझे आज ही कोई फाइनल करना होगा। एक बार याद रखना, आइंदा कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कोई बात करे तो तुम मेरे से बात जरूर करना, ठीक है? और ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तो क्यों इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है? और फिर ये साजिद तुझे कब तक माफ करेगा? औरत अपनी कहानी सुनाने के लिए आंसुओं का सहारा लेती है, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं, और मर्द के पास आंसू वाली सहूलत नहीं होती, इसलिए उसे बहुत मुश्किल होती है। उसे लगता है कि इस सब में मेरा कसूर है। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा कसूर है? वो बहुत ही शातिर इंसान है, मैं जानती थी तुम उसके बहकावे में जरूर आओगे। ये जो कहानियां वो तुम्हें सुनाता फिरता है ना, वो तुम्हें सच लगती है, असल में वो सच नहीं है। साजिद अगर झूठा होता ना, तब तुम्हें देखकर कब का भाग चुका होता वो। वो अपना शिकार किए बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगा। जो भी है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्यों आई हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे घर का पता किसने बताया था? तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंची हूं ताकि मैं तुम्हारा भला कर सकूं। मेरे भले की छोड़ो, अपना सोचो। मैं कल स्पेन जा रही हूं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मुझे पता है कि तू आज भी उससे मिलके आ रही है। देख मंगू, तू ना मेरे मामलात से दूर ही रह। हाय रानी, गजब हो गया, मंगू ने उस लड़के को उस तेज गाम के साथ देख लिया है, हैं? जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ है। मंगू कहता है वो दो नंबर लोग हैं, दो नंबर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बानो को बचा लोगी? भूल है तुम्हारी। तुम्हारे मसले ना कभी खत्म नहीं होंगे मंगू, और मेरे पास तुम्हारे किसी मसले का हल नहीं है। मेरे जानने ना जानने से क्या ताल्लुक, तुम और शौकी भी तो मिल चुके हो ना इससे। देखो बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में है। नहीं भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की।